सब जने उड़ गए। कैसे उड़ गए कि वो जाल बना हुआ था, जाल के अंदर सब एक साथ फंस गए थे। तो सब ने एक साथ अपना दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई कि हम सब एक साथ उड़ जाएंगे तो ये भार हम लोग आराम से सहन कर पाएंगे और हम लोग यहाँ से निकल कर बाहर चले जाएंगे। ये उद्देश्य उसको किसने दिया था? चित्रदेव ने। चित्रदेव कौन था? उनका ही कोई बड़ा स्वामी है जो कि उनको ये उपदेश दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी लाइन लिखी हुई है कि अब रात को अस्थान
पूरा अवलंबित था भगवती कुमुदी नायक के चंद्रवंश। तो देखिए जब रात्रि होती है, ठीक है, रात्रि होती है ना, तो चंद्रमा क्या होता है, उदय होता है, उदय होता है ना, और सूर्य क्या होता है, अस्त होता है। शाम को 6 बजे जब सूर्य अस्त होता है, जब चंद्रमा उदय होता है और चंद्रमा अस्त होता है, तो सूर्य उदय होता है, ठीक है। तो जब भोर होने ही वाली थी, तब अस्थांचल पर्वत के पीछे की ओर, यानी कि अस्थांचल पर्वत तो अस्थांचल पर्वत के पीछे की ओर छूट गया था कुमुदिनी नायक। कुमुदिनी नायक का मतलब है चंद्रमा। कुमुदिनी नायक की कुमुदिनी की भगवती कुमुदिनी का पुत्र कौन है, नायक कौन है, चंद्रमा। को कहां छुप गया था, अस्थांचल पर्वत के पीछे। तब लघुपत नाम वायसा कबूतर, उस समय लघुपत नाम का एक जो कबूतर था भगवान का, वो क्या हुआ, प्रबुद्ध यानी कि जागा, प्रबुद्ध यानी कि जागा। प्रतांत विव द्वितीया आयता व्याघ्र अपश्यत। प्रतांत विव का अर्थ होता है यमराज के समान। प्रतांत विव का मतलब क्या होता है, यमराज के समान द्वितीया यानी कि कोई दूसरा, यमराज के समान कोई दूसरा। अन्यात व्याघ्रम अपश्यत, अन्यात यानी कि आते हुए को व्याघ्रम यानी कि शिकारी को, आते हुए शिकारी को अपश्यत देखा। किसने देखा, एक कौवा जो जाग गया था कबूतर, उसने किसको देखा, एक शिकारी को आते हुए देखा। वो शिकारी उसके समान लग रहा था, यमराज के समान वो प्रतीत हो रहा था, और उसको उसने आते हुए देखा। तथा अवलोक्य चिंतित, उसको जब उसने देखा, तथा यानी कि जब अवलोक्य यानी कि देख कर, अवलोक्य का मतलब होता है देखना, ठीक है। अचिंतित चिंतित होने लगा, क्या चिंता करने लगा, सोचने लगा। अध प्रातरेव अनिष्ट दर्शन जागत, ये प्रातरेव यानी कि सुबह के समय अनिष्ट दर्शन यानी कि अपशगुन हुआ, पाप दर्शन हुआ, ऐसा उसको गलत बोलते हैं ना, कभी अपशगुन हो गया, हम घर से बाहर निकलने का कहते हैं दिन के बाद क्या हुआ, अपशगुन हो गया, वैसे ही कि सुबह सुबह मैंने इस शिकारी को देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई ना कोई अपशगुन, कोई ना कोई बुरी घटना घटने वाली है, ऐसा मुझे मन में प्रतीत हो गया। न जाने किम अनभिज्ञ दर्शयति, न जाने क्या अनभिज्ञ यानी कि अपशगुन या अच्छा शगुन ना देखने को मिलेगा, क्या क्या बुरा हमको आज देखने को मिलेगा। अतः तद अनुसर करणेन व्याकुलस्य चलति, चिंतित होकर देखने के लिए चला गया, उसके तद अनुसार यानी कि उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे वो उसको देखने के लिए चला गया, ठीक है। आज हम यहाँ तक पाठ को पढ़ेंगे, आगे का पाठ नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, आगे पैराग्राफ जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने इतना पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा, चलिए हम एक काम करते हैं, वापस उसको रिमाइंड कर देते हैं कि पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना पाठ, वहां से भी वापस पढ़ लेते हैं, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि इस पाठ की प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या क्या है। इस पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसका प्रत्येक शब्द है उसका क्या क्या अर्थ निकल कर आता है, ठीक है। गोदावरी तीरे विशाल शालम शालम लतरु यानी कि अस्मिन यानी कि इस गोदावरी नदी के तट पर एक क्या है, शांति नाम का एक वृक्ष है। नाना निर्देशालो पश्चिम तत्र सती, नाना यानी कि अनेक देशों से दिशाओं से आते हैं, रात में रात में पक्षी में पक्षी पक्षियों के समूह बहुत सारे पक्षी तत्र निवसति यहाँ पर निवास करने के लिए या रहने के लिए, ठीक है। नाना देश से दिशाओं से बहुत सारे पक्षी यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। अतः कश्चित अस्तांचल चूहा
अवलंबित भगवती कुमुदी नायके चंद्रमशी लघु पतक नाम पायसा प्रबुद्ध। ठीक है, कदाचित मैंने एक दिन, कदाचित मैंने की क्या, एक दिन अवसा अवसन्नाया मैंने की सुबह होने की वाली थी। सुबह होने की वाली थी कैसे जाते हैं, तो उसने की भोर होने की वाली है उस समय अस्तांचल छुड़ा अवलंबित भगवती कुमुदी नायके चंद्रमशी यानी कि अस्तांचल पर्वत के पीछे छुप चुका था भगवती कुमुदिनी का पुत्र चंद्रमा। ऐसा समय था जबकि अस्तांचल पर्वत के पीछे वो चंद्रमा छुप चुका था। तब तो चंद्रमा कौन है, तो वो है भगवती कुमुदिनी का नायक है, उनकी पुत्र स्वामी। ठीक है, लघुपत नाम पायसा प्रबुद्ध और उस समय कौन जग गया था, लघुपत नाम का एक कबूतर जग गया था। प्रलांत देव दिव्य आयात व्यायाम अपश्यत प्रलांत ने कहा कि दराज की समान दिव्य यानी कि दिव्य आयात यानी कि आया आते हुए देखा। तथा हम लोग ने अचिंत्य और उसको देख कर वो क्या हो गया, चिंतित होने लगा। अतः प्रात रेव अनिष्ट दर्शनम जातकी मुझे प्रातकाल ही अनिष्ट दर्शन यानी कि पाप दर्शन यानी कि पक्ष अनुसार प्रतीत हो रहा है या लग रहा है। न जाने किम अनभिमतम दर्शयति, न जाने क्या आज गलत होने वाला है, बुरा होने वाला है, अपशगुन होने वाला है, ऐसा उसको मन में विचार आया। अतः तदनुसार करने व्याघ्र बुलश चलती और उसका अनुसरण करते हुए उसे व्याघ्रण की शिकारी के पीछे पीछे वो चला गया। ओके, आपको इसको वापस एक बार अपने घर पर पढ़ना है ताकि आप इसका और अच्छे से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वापस से देती। ओके।